अस्सलामु अलैकुम। हाँ तो दोस्तों, आज हम शारजा की कैटल मार्केट जा रहे हैं। ये हमारे साथ हैं उबैर भाई और पीछे बैठे हुए अली भाई। हाँ भाई, अली भाई क्या हाल चाल है? अली भाई आपके तो जा रहे हैं मार्केट, और जाते हैं मार्केट वहाँ पर गाय बकरे दुम्बे चीज़ों के रेट चेक करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, ये मार्केट में एंटर हो गए हैं, तो जाते हैं किसी शेड से मुख्तलिफ यहाँ पर बकरों के, दुम्बों के, भेड़ के, तो जाते हैं और चेक करते हैं रेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? सोमाली है सारा जानवर? पाकिस्तानी। कौन सा पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। ये वाला नहीं करो यार, सोमाली है ये। क्या क्या दाम है इसका? देखिए सारा सोमाली का जानवर है, इधर भी और इधर भी। क्या रेट वेट क्या है दोस्त? कौन सा वाला? सबका ये वाला और आगे वाला मुख्तलिफ रेट से क्या? पूरा है। सब 3,800 में कोई सा भी जानवर लेगा? हाँ। और गुंजाइश कितने तक की होगी? यही बोलो इसका जो पहला खड़ा हुआ है। पूरा है पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी है ये? पाकिस्तानी। ये सारा जानवर पाकिस्तानी है? दो दिन है सोमाली का। अच्छा, क्या इसका क्या होगा? ये वाले का, ये जो पहले खड़ा हुआ है ये वाला? ये वाला हाँ। उसके लेग? हाँ लेग क्वेश्चन। हाँ, पैसा कितना है? तुमको वाला ना देना था 800। देगा कितने में? देगा कितने में? हाँ सही पैसा बोलो, तुम सही पैसा बोलेगा। हाँ आप बोलो। मैं बोल रहा हूं ना। हैं 2500 में लगेगा? नहीं। फिर कितने में लगेगा? फिर कितने में होगा? नहीं, ऐसा में नहीं लगेगा। तो अभी आप बताओ ना, मैं एक रेट बोला, अब आप बोलो रेट। नहीं, ऐसा में नहीं बताएगा ना। ऐसा नहीं बताएगा? ऐसा में कैसा आएगा? तो आप कितने में छोड़ेगा वो बोलो ना। आप कितने तक में छोड़ेगा? करेगा ये फाइनल? नहीं बोलेगा? इतना में नहीं मिलेगा। आप बोलो ना कितने में देगा? तुम लाएगा, गाय लाएगा, वीडियो बनाएगा। गाय भी लेगा, वीडियो भी बनाएगा। नहीं, तुम वीडियो बनाते हो। और शेड में यहाँ पर कुछ चल रही है डीलिंग वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ले रहे हैं जानवर? ले रहे हैं? चले। क्या डिमांड की है भाई ने? इसकी डिमांड है 5,500। अच्छा, 5,500 मांग रहे हैं। सही सही। कहाँ का जानवर है? सारा सोमाली है? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी है? हाँ। अच्छा अच्छा, ले लिया। ये कितने का? 5,000? 5,000 का लिए। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक कुर्बानी जो है ना कबूल करे। ठीक है माशाल्लाह। कहाँ का ये? पाकिस्तानी का बता रहे? अच्छा पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी। ठीक है। कितना बोला, कितना था इन्होंने? 5,500 बोला। अच्छा 5,500-6,500। ठीक है। क्या रेट है इसका? यार रेट बताओ, क्या मुश्किल है? रेट नहीं बताता। कहाँ का? सोमाली है पाकिस्तानी है? ये सोमाली है पाकिस्तानी है ये वाला जानवर? ये वाला डर रहा है यार आप तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, ये कहाँ का जानवर है दोस्त? ये पाकिस्तानी है सारा? पक्का पाकिस्तानी है? क्या मांग रहे हैं इसका आप? इसका 7,000 है। अच्छा ये अच्छा, ये इस एरिया में जितना है वो 7,000 है, और ये वाला जो है 5,000। ये वाला 5,000 का है? सही सही। वो 8,000, वो इससे बड़ा है वाला? ठीक है। ये जो ये 7,000 वाला बोल रहा है आप, ये कहते दो दांत है, चार दांत है ये वाला? सईद भाई चलो मुश्किल नहीं है, ये वाला और बड़ा है? ये 8,000 और 9,000 वाला शायद है। ये अच्छा जानवर, माशाल्लाह बड़ा जानवर है। पाकिस्तानी है ये पक्का? यार मुझे तो लग रहा सोमाली जैसा है। पक्का, पक्का।
साहिवाल। अच्छा साहिवाल है, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जानवर है। कहाँ इसमें क्या गुंजाइश क्या होती है? जो आप 8,000 जिसका बोल रहे हो, ये वाले का बताओ, ये वाले का कितना? 9,000। ये 9,000 का, तो इसमें क्या गुंजाइश होगी? इसमें 500 लगभग हो जाएगी पुरमे। 500 तक की गुंजाइश होती है? होती है। अच्छा ये वाले जानवर जो है इसका इन्होंने रेट बताया है अलग, 5,000 इनका बताया है, और ये वाले 7,000 के लगभग हैं, ये हैवी हैं, और उधर जो खड़े हुए हैं वो 8,000-9,000। तो हैं अच्छे जानवर हैं इनके पास। रेट जो बताते हैं उससे कोई 5,000, मतलब जो बड़ा जानवर है जिसकी 8,000-9,000 बोले तो 500 से 1,000 तक की गुंजाइश होती है तकरीबन उसमें, और जिसके 5,000 बोलेंगे तकरीबन उसमें 700-800 ऐसे गुंजाइश रखते हैं ये लोग ना। जो 5,000 है समझो उसका 4,000 से 4,200-4,300 ऐसे बन जाती है बात, और जानवर सही वजन का है। कई की मार्केट में भी हम गए, वहाँ तो लोगों ने जो है प्राइस बताए और YouTube पर वीडियो भी डाली मैंने। यहाँ पर तो मैं किसी से पूछता हूँ कि वीडियो बनाएं और YouTube पर डालेगा तो लोग शर्माते हैं, बोलते नहीं YouTube पर नहीं डालो वीडियो। वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? कहाँ से? पाकिस्तान से हम लोग। आप कहाँ से? अच्छा डीजी खान का लोग ज्यादा है इधर ना, है ना? उधर दुबई वाला मार्केट में भी डीजी खान का ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, ज्यादा कारोबार ये जानवर का। ये कहाँ का जानवर, कहाँ का है? ये पाकिस्तानी है भाई, इधर का लोकल है, भारत का। पक्का है पाकिस्तानी? पाकिस्तान से कहाँ आता है यार इधर जानवर? आता है जी, आता है भाई। ये तो सोमाली है ये वाला? कौन सा ये वाला? ये पाकिस्तानी है ना। अच्छा क्या मांग रहे हो आप इसका? ये इसका तो मांग तो 5,000 रहा है, लेकिन ये बेचा हुआ है, ये बिक गया। अच्छा कितने में बेचा है ये? बेचा भैया 4,400 में बेचा। पक्का है 4,400 में? वो गला देखो, में देखो। हाँ वो रस्सी डला हुआ है, निशान डला हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा वाला है, ये वाला, ये सारा रेवड़, इसका क्या मांग रहे हो आप? ये मुख्तलिफ रेट है भाई। अच्छा अलग अलग है, ये जो पहला खड़ा हुआ है, पहला खड़ा हुआ ये वाला, ये 4,800 मांग रहे हो इसका, और गुंजाइश कितने तक की है? ये 200 करेगा, 300 बस ना करो यार। चलो कोई आएगा तो अच्छा प्राइस दो यार उसको, कुर्बानी में गुंजाइश रखनी चाहिए इंसान को यार। इंशाल्लाह जरूर भाई, क्यों ज्यादा पैसा मांगेगा तो कैसे करेगा कुर्बानी इंसान? 5.5 में दिया ये वाला, 5.5 में दिया है। सही है, सही है, अच्छा है जानो। गला में रस्सी है, ऊपर नाम लिखा हुआ है इसका। अच्छा वो निशानी डाल देते हो आप लोग, सही। ये कितने में बता रहे हो? ये 5,000 में दिया, ये वाला 5,500 में दिया है, और ये वाला आप 4,800 बोल रहे हो? 4,300 में देगा तो 4,300 में देगा ये वाला, सही सही। ये कहाँ का जानवर, कहाँ का है? पाकिस्तान साहिवाल है भैया। पाकिस्तान साहिवाल है, सारा साहिवाल से आया हुआ इधर है। देखो ना, साहिवाल है। कैसे पता चलेगा साहिवाल है? देखो शक्ल, देखो ठीक है। क्या मांग रहे हो इसका, ये वाले बड़े वाले का? 12,000। नहीं करो यार ऐसा, 12,000 में कौन लेगा ऐसा? 12,000 का कुर्बानी करेगा गरीब आदमी, हम कैसे कुर्बानी करेगा यार? पैसा इधर आपको मालूम है, 12,000 कमाने में जो है बंदे का 4-5 महीने का सैलरी लग जाएगा, 12,000 कैसे कमाएगा? इधर गरीब आदमी है, 2,000 सैलरी वाला आदमी है, 12,000 का गाय कैसे लेगा? अच्छा जानवर अच्छा है माशाल्लाह आपका जानवर, माशाल्लाह बहुत जानवर आया हुआ है, बहुत जानवर है। देखे काफी अच्छे खूबसूरत जानवर है, पूछते हैं रेट अगर ये बताते हैं तो। वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? कहाँ का दुम्बा ये? इधर लोकल है? लोकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुर्बानी के लिए है? और वो आगे वाला, वो आपका ही है या दूसरे का है? अच्छा आपका ही है। वो कहाँ का है? वो सऊदीया का है। सऊदीया का, सऊदीया का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका क्या दाम है आगे वाले का? आगे वाले का 2,000-1,500 2,000-1,500 साइज के ऊपर। और ये वाला छोटा जो है, ये वाला लोकल वाला कितने का ही है? ये 1,400-1,300 ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना महंगा क्यों? ईरानी ज्यादा महंगा होता है या लोकल वाला ज्यादा होता है? ईरानी अच्छा। के इधर उसका गोश्त अच्छा नहीं होता है, वो बीमार होते हैं। ये लोकल है, ये अच्छे अच्छा, लोकल ज्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कितना? 1,400 बताया आपने। 1,400। और इसका क्या गुंजाइश क्या हो जाएगा? 1,300 में देगा। ये खड़े सोमाली बकरे अच्छे माशाल्लाह, खूबसूरत
भरे हुए बकरे हैं, खूबसूरत है, लेकिन कोई बंदा है नहीं इधर के किसी से रेट पूछे इनके। क्या क्या दाम है इसका सोमाली का? ये सोमाली है बड़ा वाला 800 है, छोटा 700। अच्छा, जैसे ये वाला खड़ा हुआ है? हाँ, ये 750 है। और देने वाला क्या होगा? देने वाला आखिरी 700 है, 50 रुपए का गुंजाइश करेगा। कुछ ऐसा नहीं होगा 550-600 वाला नहीं होगा इसका हिसाब किताब? ये नहीं, इसका इसका बोला है, वो नहीं है, वो लास्ट 700 है, लास्ट 700 आएगा इस वाले का। सही, और 550-550 का ये वाला कह रहा हूँ, 600, ये 600 का होगा ये वाला। सही, वजन कितना होगा इसमें 600 वाले में? वजन आएगा 15-16 kg, 15-16 kg होगा। ज्यादा बोलेगा। सही, कहाँ का दुम्बा, कहाँ का ये दुम्बा? नईमी का। नईमी मतलब कहाँ का? सूर्या का। सूर्या का, इसका क्या मांग रहे हो आप? दाना 700। कोई भी दाना? कोई भी दाना। ये बड़ा वाला भी? बड़ा वाला नहीं, वो कितने का है? 2600 का। बड़ा वाला 2600 का है। सही है, और गुंजाइश क्या होगी इसके अंदर? मुझे क्या, कितना पीस चाहिए? नहीं नहीं, हमें कुर्बानी के लिए एक दाना चाहिए होगा यार, तो क्या गुंजाइश क्या होगी? 650 हो जाएगा इसका। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह बता दो जरा। 056-028-084। आपका नाम? तारिक। तारिक भाई, ठीक है जी, भैया अलग अलग प्राइस है? अलग अलग है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला, हाँ, ये सोमाली बकरा 600 का। 600 का वजन कितना निकलेगा इसमें? ये मालूम है। हाँ, सही बात, आपने सही बात करा है, ऐसे ही लोग बोलता है इतना निकलेगा उतना निकलेगा, नहीं भाई ऐसा कुछ, वो गलत बयानी है वो। 600 बोला, इसका आखिरी आखिरी क्या होगा? लेगा तो फिर 500 होगा? 500 नहीं होगा, लेगा तो फिर उस वक्त हो जाता है गुंजाइश, मतलब 500 का नहीं होगा, 520-525 तक का हो जाएगा गुंजाइश। चलो ये वाला आपका है? ये वाला तो इधर आओ ना, इसका प्राइस बताओ ना यार। ये कहाँ का जानवर है ये वाला? हाँ, ईरानी है। क्या मांग रहे हो उसका? ये सफेद वाला बोलो। नहीं बोलो यार, इतना ज्यादा महंगा थोड़ी होता है ईरानी। कौन सा वाला? वो काला वाला जो भी है, सफेद वाला किधर गया? ये वाला, इसका गुंजाइश कितना होगा ये बताओ? कितना आखिरी कितना कितना होगा आप बोलो? 950। वजन कितना निकलेगा इसमें? 20 किलो के ऊपर निकलेगा। 20 किलो के ऊपर होगा। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा वाला बकरा सारा क्या प्राइस प्राइस क्या है? ये लोकल्स लेते हैं ना ये ज्यादातर, ऐसे बारबेक्यू वगैरह बनाने के लिए अपना? हाँ, इधर का जो लोकल लोग है, वतनी लोग है, वो लेते हैं ना ये, ऐसा बारबेक्यू वगैरह, ऐसा दमबुख वगैरह टाइप चावल बनाने के, मंदी वगैरह बनाने के लिए। 750। ये इतना महंगा क्यों होता है? मजा मजा ज्यादा होता है इसके अंदर। ये कहाँ का जानवर, कहाँ का होता है ये वाला? इधर का लोकल है। अच्छा, इधर लोकल है। इसमें टेस्ट होता है ज्यादा गोश्त में इसके? हिरन की तरह, हिरन की तरह होता है। नहीं, देखने में तो खूबसूरत है और गोश्त में भी मजा होगा, छोटा जानवर है ना, दूध वाला बच्चा है। अच्छा, सही सही। इसका आखिरी बताओ हमको, बकरीद के बाद कभी आएगा लेने के लिए? 650 करेगा। 650 करेगा। वजन कितना निकलता है इसमें? 7 kg, 8 kg, 6-8 kg तक। सही सही। छोटे बकरे दिखाए हैं ये यहाँ पर नॉर्मल डेज के अंदर, मतलब आपके ये फुल गोट मंदी वगैरह टाइप बनाने के लिए लोग, लोकल लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और किसी ने तो देखा है हमने अभी, तो कभी हमारा भी इरादा हुआ तो देख कर बनाएंगे। ये 650-600 इस तरह में ये छोटा जानवर देते हैं, और लगभग इसके अंदर 6-8 किलो वजन होता है इस हिसाब से, लेकिन इसका गोश्त जो है वो बहुत बेहतरीन गोश्त निकलता है। सामने एंट्रेंस है और आज काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं, लोग मतलब बाइंग शुरू हो गई है बकराईद के हिसाब से। और ये एंट्रेंस में सामने परिंदों की भी कुछ मार्केट इन्होंने लगाई हुई है, तो जाते हैं और यहाँ भी चेक करते हैं। बाकी ये सारा मार्केट का व्यू है और बहुत साफ़ सुथरी बेहतरीन मार्केट बनाई है शारजा की। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये कहाँ का दुम्बा, कहाँ का ये आपका? नहीं है,
दुम्बे इधर ज्यादा देखने में आ रहे हैं। सोमाली बकरे जो है वो दुबई की मार्केट में ज्यादा देखने को मिले, यहाँ दुम्बे जो है ना वो ज्यादा देखने को मिले शारजा की मार्केट में, और गायें ज्यादा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में गायें वगैरह है। देखिए परिंदों की भी मार्केट यहाँ लगी हुई है ओपन एयर में। ये लगे हुए कबूतर मुख्तलिफ नस्लों के, खूबसूरत खूबसूरत कबूतर। ये किसी की गायें लोडो के जा रही है, लेकिन कोई है नहीं बंदा जिससे पूछ सके। ये जा रही लोडो के, ये सारी बकरा मंडी है, गाय मंडी बकरा मंडी, और ये मेन एंट्रेंस पर ही सामने स्लॉटर हाउस भी है। तो ईद पर यही प्रैक्टिस होती है हमारी कि यहाँ पर आते हैं हम और इधर जो है यहाँ पर ही बकरा देते हैं। तो आपको वो चार पीस या पूरा बकरा साबुत लेना है या जिस हिसाब से आपने कटिंग करानी है वो करवा के आप अपने घर लेके जाओ। तो ये सामने ही स्लॉटर हाउस है करीब में इसके।